दोस्तों, शरीर को हेल्दी रखने के लिए ब्लड सर्कुलेशन का सही होना बहुत ही जरूरी है। और शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही रखने के लिए जो हमारी नसें होती हैं, वेंस होते हैं, उसका पूरी तरह से साफ होना, स्वस्थ होना भी जरूरी है। क्योंकि अगर ये बंद हो गया तो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाएगा, जिससे हार्ट अटैक के अलावा कई बीमारियां घेरने लगती हैं। दोस्तों, नसों में ब्लॉकेज अचानक नहीं होती, बल्कि यह प्रोसेस पहले से चलता रहता है और इसका पता तब चलता है जब नसें ब्लॉक हो चुकी होती है। इसका वजह है आजकल की खराब लाइफस्टाइल, खाने पीने की गलत आदतें। गलत खानपान की वजह से लोगों के शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने के कारण हमारी जो नसें होती हैं उसमें ये कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता और इसे ब्लॉकेज की समस्या कहा जाता है। रक्त धमनियों के बंद होने पर हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। और ये जो प्रॉब्लम है ज्यादातर स्मोकिंग करने वाले और अल्कोहल पीने, शराब पीने वालों में देखी जाती है। नसें ब्लॉक होने पर दोस्तों चक्कर आना, सांस फूलना, चलने में कठिनाई होना, इस तरह की कई समस्याएं होने लगती है। आज हम आपको दो नुस्खे बताएंगे। एक नुस्खा उनके लिए होगा जिनको हार्ट अटैक आ चुका है और दूसरा नुस्खा उनके लिए होगा जिनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल पहले से बढ़ चुका है और नसें ब्लॉक होने की संभावनाएं, संकेत दिख रही हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि पीपल के 15 कोमल पत्ते लेने हैं। ध्यान रखिएगा, गुलाबी कोंपले ना हो, बल्कि पत्ते हरे हों, कोमल हों और अच्छे से विकसित हों। ध्यान रखिएगा कि पत्ते गुलाबी ना हों, बल्कि हरे पत्ते हों और कोमल हों, कोमल यानी सॉफ्ट हों। इन पत्तों को लेकर ऊपर का डंठल काट दीजिए और इन पत्तों को अच्छे से साफ कर लीजिए। इन पत्तों को 1 से 1.5 गिलास पानी में डालकर अच्छे से उबाल लीजिए। तब तक उबालें जब तक पानी जो है वो आधे से कम ना हो जाए। फिर ठंडा होने पर इसे साफ कपड़े से छान लें और नॉर्मल टेम्परेचर में इसे रख दें। इस काढ़े की 3 खुराकें बनाकर रोजाना 3 बार लेना है और हर 3 घंटे के बाद लेना है। शुरुआत आपको सुबह से करना है। सुबह 9 बजे लिया तो उसके बाद 12 बजे लेना है, उसके बाद 3 बजे लेना है। इस तरह से आपको इसका सेवन करना है। हार्ट अटैक के बाद कुछ समय हो जाने के पश्चात लगातार 15 दिनों तक इसे लेने से जो दिल होता है, हार्ट होता है, वो स्वस्थ हो जाता है और फिर दिल का दौरा पड़ने की संभावना नहीं रहती। दिल के रोगी इस नुस्खे को एक बार जरूर आजमा कर देखें। इसके अलावा दूसरा नुस्खा उनके लिए है जिनके नसों में ब्लॉकेज हो गई है, जिन्हें नसों में ब्लॉकेज के संकेत मिल रहे हैं, सिम्टम्स मिल रहे हैं। उनको क्या करना है, 1 ग्राम दालचीनी लेनी है, 10 ग्राम काली मिर्च लेने हैं साबुत वाले, 10 ग्राम तेज पत्ता लेना है, 10 ग्राम मगज लेना है, 10 ग्राम मिश्री डल्ला वाला लेना है, इस तरह का मिश्री, और 10 ग्राम अखरोट लेनी है। आखिरी चीजें दोस्तों वो 10 ग्राम अलसी लेनी है। दोस्तों, ये सारी चीजें किचन में ही मिल जाएगी और अगर आपके पास नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, पास से किराने दुकान से ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। आइए जानते हैं अब आपको करना क्या है। इन सभी को मिक्सी में पीसकर पाउडर बना लें और 6-6 ग्राम की 10 पुड़िया बन जाएगी। इसकी 1 पुड़िया हर रोज सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ लेनी है और उसके 1 घंटे तक कुछ भी खाना और पीना नहीं है। ऐसा आपको लगातार 10 दिनों तक करना है और अगर आप ऐसा करते हैं तो शरीर में एड़ी से चोटी तक अगर कहीं भी कोई नस बंद होती है तो वो अपने आप खुल जाएंगे। दोस्तों, ये नुस्खा प्रेग्नेंट महिला और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को छोड़कर कोई भी इंसान इसका इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इसके सेवन के दौरान पानी का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना है। जितना ज्यादा हो सके उतना पानी पिए और इसके सेवन से कम 1 घंटे तक कोई भी चीज ना खाएं। दोस्तों, अगर आप भी अपने नसों के बंद होने की वजह से बहुत परेशान हैं तो बस 10 दिनों तक इसका इस्तेमाल जरूर करें।